यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूँ माइकल, आप देख रहे हैं शोरूम। तो दोस्तों पता ही होगा आपको, माइकल ने बढ़िया सा शोरूम खोल रखा अपना सिटी के बीच के अंदर, जहाँ भाई आते जाते लोगों के नज़रों में हमारा शोरूम आएगा। और मतलब उसमें कार्स बहुत कम थे, आपको पता ही, हम चार पांच कार लाए थे, जिसमें से एक दो कार हमने वापस कर दी है। अभी देखते हैं कौन कौन सी करी है। और हमारा एक बंदा भी रखा हमने रिसेप्शन पे। अभी हमने ना लैम्बोर्गिनी उरस को, भाई लैम्बोर्गिनी वालों को जी मेल किया था कि भाई हमें कार चाहिए 5 लैम्बोर्गिनी उरस, क्योंकि वो श्यान वगैरह तो भाई अपना शिमन भाई बेच देता है। तो चलते हैं हमारे शोरूम पे, देखते हैं वो कार आई है या नहीं। ये डमेंडा ही कार लेके जा रहे भाई, इतनी गरीबी आ गई देखो हमारे पास। ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे हिंदुओं को। बस शाम इस रोड पे बिल्कुल सामने जाते ही हमारा शोरूम आ जाता है, बिल्कुल पास है यहाँ से। तो सबर्बन आ गया बस उसके पास, मतलब मेन हाईवे पे अपना शोरूम भाई। अच्छा, जो सिटी से बाहर जाता है उसको भी दिखेगा, सिटी से अंदर आता है उसको भी। भाई बातों के चक्करों में मैंडा की कार भजिया उड़ा दी। आपको दिख ही रहा होगा ट्रक खड़ा है, लैम्बोर्गिनी उरस देखते भाई यार क्या गया नहीं। इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अबे ट्रक बंद किसे नहीं क्या? ओ भाई सही में आ रखे भाई लैम्बोर्गिनी उरस। एक ये कौन सी है भाई, कौन सा कलर है ये? मुझे तो भाई ब्लूइश लग रहा है। ये मेहरून, ये वाइट, ये येलो, ये ग्रीन। भाई इनमें से आपको जो कौन सी भी गाड़ी अच्छी लगे उसका ना कलर कमेंट कर देना। और भाई मतलब बढ़िया यार उरस, क्या गजब लग रही है यार ये हमारा। आपको पता ही होगा MTL ट्रक हमने इसी में उनसे रख ही लिया भाई। और अभी चला के देखते हैं इसको हम कैसी चलती है भाई कार। भैया 305 इसकी हाई स्पीड है भाई, और ये 3.15 करोड़ से स्टार्ट हो गए, 4.20 करोड़ तक जाते हैं भाई इंडिया के हिसाब से। ओ भाई क्या गजब है रे, देख क्या फ्लेम है भाई। ये हमें पूरी वो सारी गाड़ियाँ 17 करोड़ 50 लाख रुपए की पड़ी है भाई। और अभी सेल करेंगे कम से कम अच्छे भाव में ही करेंगे कि अच्छा हमारा प्रॉफिट हो जाए। ओ भाई यहाँ पे चलाने की कार नहीं है ये भाई, वापस खड़ी कर देते हैं हम भाई। इतना थोड़ी भागता कोई, देखना हमारे शोरूम तक तो भाई इसने 170 टच कर लिया भाई। हमारे शोरूम के अंदर अब स्पोर्ट्स कार, सुपर कार, ये तो SUV है, वर्ल्ड फास्टेस्ट SUV भाई, वर्ल्ड फास्टेस्ट SUV। और भाई अभी 17 करोड़ रुपए लगाए हैं तो भाई अभी सेल तो करेंगे ही। और ये हमने एक बंदा भी रखा है यहाँ पे, एक आंटी जी देखो, ये रिसेप्शनिस्ट। अभी बंदे बुलाएंगे यार, और फिर ये बंदा पता नहीं कौन है, गाड़ी गुड़ी देखने आया होगा भाई, अच्छी बात है। और ये हमारी 3-4 कार, ये सुपर कार है, एक खड़ी है, एक तो इसका नाम भूल जाता मैं शायद, इसका नाम क्या था भाई, बुलेट है क्या ये, चिल्लर लिख रखा भाई इस पे तो। ओ भाई इसका नाम क्या था पता नहीं। हाँ भाई टकले क्या देख रहा है हमारी साइड, और ऊपर हमारी कोई कार नहीं है अभी तक। और लैम्बोर्गिनी उरस को भी नीचे खड़ा करेंगे, क्योंकि अभी भरा भरा शोरूम लगना चाहिए ना अपना, कि भाई बंदे का अट्रैक्शन हो हमारे शोरूम से, जब तो हम PDM की टक्कर ले पाएंगे। ऊपर कोई बंदा नहीं अभी देखो, खाली पड़ा है पूरा। और पेपर वर्क के लिए भी बंदे रखने पड़ेंगे भाई बहुत सारे, अभी तो बहुत काम है हमारे शोरूम का। और अभी हम ना हमारे कार्स को अंदर लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको हमारे शोरूम की क्या गजब लुक आ रही है। तो दोस्तों हमने ऐसे करके सारी गाड़ियां यहाँ पे लगा दी है, और ये रही उरस ग्रीन कलर की, ये रही येलो वाली, ये रही वाइट वाली, और ये रही मेहरून वाली। और एक गाड़ी अभी टेस्ट ड्राइव पे गई हुई है, कोई बंदा आया था टेस्ट ड्राइव लेने, सो देख लेंगे। अभी मैं इसको जचा देता हूँ भाई, ये गंदी लग रही है ऐसे टेडी ना। अब देखो दोस्तों हमारा शोरूम कितना गजब लग रहा है, किसी के पास नहीं भाई इतनी लैम्बोर्गिनी उरस, उरस ही उरस है भाई हमारे मामले में, स्पोर्ट्स कार तो बहुत कम है, उरस ही उरस भाई। कार तो मुझे ना ढंग से लगानी पड़ेगी यार भैया, येलो कलर में क्या गजब लग रही है। ओ भाई व्हाइट वाली भी अच्छी लग रही है, लेकिन हम इसको खड़ा करने वाले हैं।
यहाँ पे तो दोस्तों अभी ना हम ट्रक को हटा देते, पीछे खड़ा कर देते, क्योंकि ये ना भाई शोरूम का रास्ता रोक रहे एक तरह से ना। अरे भाई जल्दी बैठ। यहाँ पे खड़ा कर देते हैं कि बाद में किसी को दिक्कत ना आए। तो ये मैंने हमारा ट्रक खड़ा कर दिया, अभी देखते हैं शोरूम के अंदर और क्या क्या काम है, कि अगले हम क्या काम कर सकते हैं और क्या चाहिए हमें, और भाई क्या चाहिए हमें, इनसे पूछता हूँ मैं एक मिनट में। तो दोस्तों मेरी इससे बात हो चुकी है, ये कह रही है हमें एक 3-4 असिस्टेंट्स जो हमारे गाड़ियों के पेपर वर्क करेंगे, क्योंकि बहुत कारें अभी बिकने वाली, क्योंकि मैंने 2 गाड़ियों के तो पेपर वर्क करवा दिया आपके, जो हमने सेल किया ना, एक यहाँ पर खड़ी थी और एक पीछे खड़ी थी। और ये भाई भैया जा नहीं रहे क्या आप? Hey, sorry. और भाई दोनों एक ही मम्मी गया क्या? हाँ भाई क्या दिक्कत है या क्या, क्यों खड़े हो? तो दोस्तों ये ट्रक वापस ले आए हम, क्योंकि दो दो है ना हमारे पास, एक सीमियन अभी दूसरी गाड़ी लेके गया जो हमारी पुरानी वाली, थोड़ी दिक्कत आ गई थी उसके अंदर। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और कोई भी आपकी फेवरेट गाड़ी है तो हमें कमेंट में जरूर बता देना कौन सी गाड़ी है हमारी शोरूम के अंदर। उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले।